हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो भी यूट्यूब पर न्यू यूट्यूबर आते हैं और वो यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए आते हैं और वो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने लगते हैं, लेकिन गाइस जब वो अब उसका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते हैं और वो यूट्यूब पर वीडियो पर व्यूज़ लाने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाते हैं और अपने चैनल को ग्रो करने के लिए भी बहुत सारे दिमाग लगाते हैं, लेकिन गाइस दिमाग तो बहुत सारे लगाते हैं बट गाइस मैं यहाँ पे एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ कि जो कि वहाँ पे हैज टैक्स लगाते हैं बड़े यूट्यूबर का। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, जो कि न्यू यूट्यूबर हैज टैक्स लगाते हैं बड़े यूट्यूबर का, वो सोचते हैं कि मैं बड़े यूट्यूबर का हैज टैक्स लगाऊंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने टाइटल में। इससे क्या होगा कि बड़े यूट्यूबर के ऑडियंस जो भी हैं तो उनके पास हमारी वीडियो जाएगी और वो मेरे वीडियो को देख लेगा और हमारे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आएगा। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका बहुत ही गलत सोचना है। अगर वहाँ पे हैशटैग्स लगाते हो बड़े यूट्यूबर का, तो ये जरूरी नहीं है कि आपकी वीडियो उनके ऑडियंस के पास जाएगा। उसमें अगर जाता भी होगा तो फिर भी वो आपके वीडियो पर एक दो बंदा क्लिक करता होगा और वहाँ पर देख करके फिर वापस आ जाता होगा, लेकिन इसमें पूरा 100% चांस नहीं है कि आपके वीडियो उनके पास जाएगा, उनके ऑडियंस के पास। और गाइज जब भी आप बड़े यूट्यूबर का हैशटैग्स लगाओ तो जब उसी टाइम लगाना चाहिए जबकि आप उससे कॉलअप करते हो या फिर उसका इंटरव्यू लिए हो या फिर उसके वीडियो का क्लिप आपके वीडियो में आना चाहिए या फिर उसके बारे में कुछ बताए हो या फिर उसके बारे में कुछ न्यूज़ दे रहे हो या फिर उसके यानी कि वो बंदा आपके वीडियो में होना चाहिए, तभी आप उसके हैशटैग लगाओगे और वहाँ पे टाइटल में हैशटैग दोगे, मेंशन करोगे तो आप वहाँ पे चलने वाला है। अगर आप उसके बारे में उसका कुछ भी आपके वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, उनका वीडियो नहीं है, क्लिप नहीं है, फोटो नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपका उसका हैशटैग्स लगा करके बड़े यूट्यूबर का हैशटैग्स लगा देते हो डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, टैग्स में, आप सोच रहे हो कि हमारी वीडियो वायरल हो जाएगा, ये तो बहुत ही गलत सोच रहे हो। इससे आपको यह भी नुकसान हो सकता है गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूट्यूब चैनल मिसलीडिंग मेटा डाटा के कारण रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो गाइज बहुत सारे रूल्स मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि किस कारण से मिसलीडिंग मेटा डाटा आता है यूट्यूब चैनल पर। तो मैं यहाँ पे वीडियो बना हुआ है मेरे पहले से यूट्यूब पर कि मिसलीडिंग मेटा डाटा क्यों आता है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हैशटैग लगाते हो ये भी मिसलीडिंग मेटा डाटा में आता है, क्योंकि गाइज आप वहाँ पर मिसलीड कर रहे हो किसी बड़े यूट्यूबर का टाइटल में नाम दे करके या फिर डिस्क्रिप्शन में नाम दे करके आप वहाँ पे टैक्स में नाम दे करके ये मिसलीड कर रहे हो, आप वहाँ पे चीट कर रहे हो यूट्यूब, सोच रहे हो कि इस तरीके से हमारी वीडियो वायरल हो जाएगा और हमारी वीडियो पर व्यूज आ जाएगी। बट गाइस ऐसा करना बहुत ही भारी पड़ सकता है आपको आगे चलकर। जब आपका वहाँ पे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम घंटा पूरा हो जाएगा तब आप वहाँ पे चैनल को मोनिटाइज करने के लिए भेजोगे तो आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज नहीं होगा। तो गाइस अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो ऐसी गलती नहीं करें, किसी का भी बड़े यूट्यूबर का हैशटैग्स वगैरह ना लगाएं अपने नाम का, नहीं तो आपके लिए बहुत ही भारी पड़ सकता है, आपका मिसलीडिंग मेटा डाटा के कारण आपका चैनल रिजेक्ट भी हो सकता है। तो गाइस इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया, अगर आप उसके साथ कॉलैब करते हो या इंटरव्यू लेते हो या फिर न्यूज़ बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो, वो बंदा अगर आपकी वीडियो में आता है तो फिर आप उसका वहाँ पर जो भी नाम ले सकते हो रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें आपको यूट्यूब कुछ भी नहीं करेगा। अगर वो बंदा आपकी वीडियो में नहीं नजर आता है और आप वहाँ पर उसके नाम का फ़ायदा उठाते हो तो ये आपके लिए बहुत ही गलत हो जाता है और आपका मिसलीडिंग मेटा डाटा के कारण आपका यूट्यूब चैनल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसा गलती नहीं करें और ऐसा गलती करने से आपको कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी कि हैशटैग्स लगाने से क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होता है और आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, क्योंकि गाइज ज़्यादातर न्यू यूट्यूबर ऐसी गलती कर देते हैं। तो गाइज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं इसी तरह की कोई ना इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते फिर से अगले नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।